पत्ता यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे अपने हाथ से हटा सकते हैं आप और दोस्तों ये गाड़ी अपने टाइम से आपको ड्यूल एयरबैग दे रही है, देख सकते हैं कि आपको एक स्टीयरिंग में मिलता है। तेरा हो गया है काम, मेरा अभी बाकी है, बाकी है, बाकी है भैया, बाकी है, बाकी है। हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हैप्पी कार ब्लॉग्स के एक और ब्रांड वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको डेली एक ब्लॉग लाके मैं दूंगा, तो आज आपका भाई आया हुआ है दी ऑटो चॉइस में, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ एक ऐसी गाड़ी आई है जो आपको 2.5 लाख रुपए में दोस्तों सनरूफ ऑफर कर रही है। और हाँ दोस्तों, ये होने वाली एक रेप्यूटेड ब्रांड की गाड़ी और ऑटो चॉइस जो कार सेगमेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ लेके आता है दोस्तों। और यही एक शोरूम है जो मुझे लगता है कि दिल्ली जैसा फील करवाता है, क्योंकि शोरूम तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन जो क्वालिटी आपको यहाँ मिलती है इनकी गाड़ियों में, इनके बिहेवियर में और जो भी आपको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही टॉप लेवल की होती है दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं गवाऊंगा दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इंट्रो देखिए और वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत करता हूँ आरपी कार ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जिस गाड़ी की बात मैं कर रहा था वो होने वाली है अपनी Hyundai की i10 2010 का वेरिएंट है दोस्तों। देख सकते हैं गाड़ी की फॉग अराउंड बहुत ही शानदार कंडीशन में है, और नॉर्मल i10 से आपको इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, और क्या आपको ये गाड़ी लेना चाहिए। देखो दोस्तों, जो गाड़ी मैं दिखाता हूँ ज़रूरी नहीं कि आप वो आके खरीदें, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए क्या अगर आपको आपके नज़दीकी मार्केट में अगर गाड़ी मिल रही तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यह है 1.2 आस्था ABS वाला वेरिएंट, टायर की कंडीशन देख सकते हैं कितनी अच्छी है दोस्तों, और गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और ये काफ़ी रेयर पीस है क्योंकि इसमें आपको मिलता था सनरूफ, वही मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। गाड़ी का वॉक अराउंड साइड से दिखाता हूँ। अब देखो, बेसिकली i10 जो Hyundai की गाड़ियाँ होती है बेसिकली वही लोग लेते हैं जिनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा करना होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप मारुति की कोई गाड़ी से इससे कंपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको पसंद क्या आ रहा है, कई लोगों को स्विफ्ट भी बहुत पसंद आती है और कई लोगों को i10 भी बहुत पसंद आती है। गाड़ी की बैकग्राउंड देख सकते हैं, गाड़ी है दी ऑटो चॉइस है, और मैं हर्षित भैया का बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे ये गाड़ी दी ब्लॉग बनाने के लिए। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, थोड़ा बहुत आपके भाई का सामान इसमें रखा हुआ है। अभी इसमें सीट का बस लगना था दोस्तों, लेकिन मुझे इंतज़ार नहीं हुआ और मैं बनाने लगा ब्लॉग। स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पीछे आता हूँ गाड़ी के, देख सकते हैं गाड़ी है i10 आस्था ABS और 1.2 लीटर में आती है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं अंदर से कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है गाड़ी। यहाँ देख सकते हैं आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। देखो यार, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में अगर पावर विंडो वगैरह नहीं मिलेंगे तो क्या ही मिलेगा। अब बैठते हैं, स्पेस चेक करते हैं कितनी होने वाली है गाड़ी। दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 51,000 किलोमीटर, और यह है इसका स्टीयरिंग, काफ़ी दिखने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और यहाँ आपको मिलता है सनरूफ, इसे बाद में दिखाएंगे, यहाँ आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये गाड़ी अपने टाइम से आपको ड्यूल एयरबैग दे रही है, देख सकते हैं आपको एक स्टीयरिंग में मिलता है एयरबैग, और एक यहाँ पे मिलता है SRS के एयरबैग दोस्तों। अभी बहुत सी गाड़ियाँ जो आती हैं उसमें भी मतलब आपको ड्यूल एयरबैग देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और मतलब क्या ही नहीं मिल जाता है इस प्राइस के अंदर। अब दिखाता हूँ इसका सनरूफ कितना ही गजब का लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे अपने हाथ से हटा सकते हैं आप और ये बात दोस्तों वैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाली है ठंड कुछ दिनों में और आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं। और कई भाइयों का शौक भी रहता है सनरूफ लेने का, इसे बंद कर देते हैं, काफ़ी गर्मी है क्योंकि यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है अभी, और इस ह्यूमिडिटी में अगर मैं आपको चेहरा अपना रियल वाला दिखा दूँ ना तो आप मुझे अनफॉलो कर देंगे। दोस्तों इसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसमें आपको एक रिमोट मिलता है और इसमें आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी FM ब्लूटूथ इसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, AC वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। यहाँ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी स्पेस आपको प्रोवाइड कर देता है। अब लेके चलूँगा इसके रियर सीट में, वहाँ से आपको थोड़ी सी स्पेस इसकी बताने की कोशिश करूँगा और फिर बताऊँगा इसका प्राइस। और देखो यार, वैनिटी तक में मिरर मिलता है। अभी अगर आप न्यू मॉडल की डिज़ायर लेने जाएंगे ना, अगर बेस मॉडल ले लेंगे तो आपको वैनिटी में मिरर भी नहीं मिलेगा। और मैं मारुति गाड़ी से इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मारुति गाड़ी पसंद नहीं, मुझे मारुति गाड़ियाँ बहुत पसंद है। कल ही मैंने एक मारुति का स्टॉक लेके आया था और गाड़ियाँ उनकी भी काफ़ी अच्छी होती हैं, बस थोड़ा सा अपने बिल्ड क्वालिटी से मार खाती हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है। चलिए अब लेके चलता हूँ आपको रियर स्पेस में। सीट मैंने काफ़ी आगे कर रखी थी, लेकिन फिर भी मैं 6 फीट के होने के बाद भी अब यहाँ बैठ के दिखाता हूँ इस जगह। देख सकते हैं दोस्तों, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है, मतलब जो स्पेस है वो
सही है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा स्पेस की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। और मैं 6 फीट का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इसमें भी आपको पावर विंडो वगैरह कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और पीछे से डैशबोर्ड गाड़ी कुछ ऐसा लगता है दोस्तों देखने में। चलिए ये तो हो गई गाड़ी गाड़ी की बात, अब बताता हूँ इसका प्राइस और आपको क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गाड़ी है अपनी Hyundai i10 2010 का वेरिएंट है और ये ऑप्शनल वेरिएंट है 1.2 में आस्था ABS के साथ आपको मिलती है। गाड़ी के टायर बहुत अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये छोटा नहीं है, इसमें आराम से कोई भी मतलब आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह आराम से इससे बाहर निकल सकती है। और स्पेस की आपको कोई कमी नहीं है गाड़ी में, गाड़ी पीछे से भी और आगे से भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है मैं बताता हूँ। इसमें आपको कंपनी फिटिंग म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ड्यूल एयरबैग, अगर आप सेफ्टी का ख्याल रखते हैं तो आपको ड्यूल एयरबैग भी मिल जाते हैं दोस्तों। और बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ वीडियो में। बैक डिफॉगर भी मिलता है दोस्तों, इसमें फ्रंट में आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आई होगी। अब इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखे हैं 2,65,000, आप लोगों को पता है आपको गाड़ी कितने में मिलने वाली है। बाकी गाड़ी का ऑलरेडी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हुआ रखा है गाड़ी के सेकंड ओनर में और गाड़ी 51,000 चली हुई है। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी देख रहे थे तो एक बार इस गाड़ी को आकर जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस डिटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज सेकंड डे था, सेकंड ब्लॉग आपका कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा 30 दिन तक आपको 30 ब्लॉग ला के दूँ। तो जुड़े रहिए आपके भाई के साथ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।